हर साल बढ़ते कैंसर के प्रमाण को देखते हुए समय से पहले इसका सटीक इलाज करने और लोगों में स्तन कैंसर को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य के साथ नवी मुंबई स्थित अपोलो हॉस्पिटल ने भारत के सबसे तेज और सटीक स्तन कैंसर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसी की लॉन्चिंग अपोलो हॉस्पिटल में की गई, जहां खास तौर पर उपस्थित थे अपोलो कैंसर सेंटर के ऑन्कोलॉजी डायरेक्टर डॉक्टर अनिल डिक्रूज, अपोलो हॉस्पिटल वेस्टर्न जोन के सीईओ संतोष मराठे, ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर नीता नायर, डॉक्टर तेजिंदर सिंह, डॉक्टर अनिता बजाज और डॉक्टर वीणा वनेरे। मान्यवरों ने कहा कि यह मुहिम न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर उन्हें जागरूक करेगी बल्कि ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ अपनी लड़ाई के प्रति समर्पित भी रहेगी। जैसे हम लोग आंकड़ेवारी भी देखते हैं, एवरी 4 मिनट देयर इज वन वुमन हु इज डिटेक्टेड ऑफ अ ब्रेस्ट कैंसर इन द ओवरऑल कॉन्टिनेंट एंड एवरी 8 मिनट देयर इज अनफॉर्चुनेटली अ लेडी हु लूजेस हर लाइफ बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। So obviously there is a lot of community drive which we are getting into. Self breast examination is one of the activity which we encourage very very strongly for all women community in terms of this thing. And obviously there will be a lot of awareness session. We also run parallelly what is known as patient support group activity. जहाँ पे patient जिनके already surgery हो चुकी है या treatment हो चुकी है, वो जब एक दूसरे से बात करते हैं to share about their experiences, their overall thing. Because apart from the disease of cancer, there is a whole lot of psychological help also which is needed. For the patient and their families. So we look at it as a comprehensive approach, not in isolation. But screening program is something which we are encouraging very strongly so that more and more people avail of this benefit. 45 से 74 के एज के बीच में हर 2 साल में एक मैमोग्राफी मिनिमम रिकमेंडेशन होती है। उसके साथ आप क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर साल करा सकते हैं, यानी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं जो जांच करते हैं। और तीसरा होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो आप मंथली खुद पे करते हैं। अगर आपके अभी भी महीने आ रहे हैं, पीरियड्स चल रहे हैं, तो 7वें और 10वें दिन के बीच में अपने आप को जांच करें। अगर आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं तो महीने के एक दिन, हर महीने उसी दिन पर आप अपने आप को जाँच करें। ये रूटीन पॉपुलेशन स्क्रीनिंग गाइडलाइंस होते हैं। नेशनल प्रोग्राम्स हमारे कंट्री में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। वो धीरे धीरे जैसे बर्डन ऑफ कैंसर बढ़ता है, ICMR गाइडलाइंस के तहत वो इम्प्लीमेंट होंगे। बट जो मैंने आपको कोट करे हैं वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, जो अभी तक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जिसे हम कहते हैं और हम करंटली अडॉप्ट करते हैं कंट्री। लाइफस्टाइल और एक कैंसर जो है उसका इम्पैक्ट तो है। जैसे हमारे लाइफस्टाइल में हम उसको बोलते हैं कि मूवमेंट कम करना, जिसको बोलते हैं सीडेंट्री लाइफ, एक्सरसाइज कम करना, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपके ओबेसिटी को और हेल्थ को। और ये एक इम्यूनिटी का भी रीज़न रहता है। हमारे शरीर को इम्यूनिटी जो मिलता है वो हमारे लाइफस्टाइल से मिलता है। हम क्या खाते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और इन दोनों का इम्पैक्ट ब्रेस्ट कैंसर में भी थोड़ा होता है। वो जैसे अगर हम कुछ कैंसर हमारे देश में अभी बढ़ रहे हैं, जैसे रेक्टल कैंसर जो होता था पहले इतना कॉमन नहीं होता था, अभी हम थोड़ा देखने को ज़्यादा मिलता है। क्योंकि रेक्टल कैंसर एक कैंसर है आपके फास्ट फूड से लिंक्ड है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन से लिंक्ड है। लाइफस्टाइल का ब्रेस्ट कैंसर में भी थोड़ा इम्पैक्ट है। अब हमारा जो रहन सहन है, जैसे एक रीज़न रहता है ब्रेस्ट कैंसर का पिछले कुछ सालों में बढ़ना, उसका एक रीज़न रहता है कि लोग प्रेग्नेंट थोड़ा लेट होते हैं। प्रेगनेंसी आफ्टर द एज ऑफ 30 साल के बाद प्रेगनेंसी का थोड़ा रिस्क बढ़ता है। यूसेज बहुत सारे चीज़ों का होता है, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्ट का लकीली इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ लेडीज़ पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करती थी, उसका इम्पैक्ट ब्रेस्ट कैंसर पे हुआ करता था। सो लाइफस्टाइल और कैंसर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमारा रहन सहन और हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण। खाने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हम वर्ड बोलते हैं हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब ऐसा नहीं कि नेट पे आप जाओगे तो एक वर्ड रहता है कैंसर फ्री डाइट। ऐसा कोई कैंसर फ्री डाइट नहीं है, हम उसको सिर्फ हेल्दी डाइट बोलते हैं। हेल्दी डाइट का मतलब होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कम हो, नमक की मात्रा कम हो, मीठा कम हो, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट रॉ शुगर से बोलते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे पास खाने में एक दिन में 1 या 2 फ्रूट की सर्विंग्स हो और एडिक्वेट एक्सरसाइज हो, और ऐसा नहीं कि ओवर ईट हो। तो इसमें अभी जैसे गवर्नमेंट ने मिलेट्स को बहुत प्रमोट करना शुरू किया है, क्योंकि हमारा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हमारा गेहूं और राइस से बनता है, उसको कम करने के लिए बोला है, तो वो एक हेल्दी डाइट में आता है। बट कोई भी चीज़ कैंसर फ्री डाइट नहीं होती।
ये नहीं कि आप नॉन वेज खाते हो तो आपको कैंसर ज़्यादा हो सकता है। नॉन वेज की मात्रा वाइट चिकन हो या रेड मीट हो, दोनों एक है, बट यस, रेड मीट का थोड़ा इम्पैक्ट कोलोन कैंसर या रेक्टल कैंसर से है, बट हर चीज़ की एक मात्रा होती है, उस मात्रा से ऊपर जाने से उसको नॉन हेल्दी डाइट बोलते हैं, बट कोई भी कैंसर फ्री डाइट या कैंसर स्पेसिफिक डाइट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, EW नेटवर्क।